तुझे इस जैसे दरिंदे के साथ नहीं रहने दूंगी। नहीं ना, नहीं सतना, दे! मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुबारक बाप, किस बात की? क्या वाकई मैंने और फरीन एग्जामिनेशंस में टॉप किया है? नहीं, मैंने ईमेल चेक नहीं की। थैंक यू सो मच, बाय। मॉम, मुझे आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। मैंने और फरीन ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। दिस इज सच अ गुड न्यूज। हम आज शाम को ही सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फरीन का इस घर में पहला सेलिब्रेशन होगा। आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। हो सकता है वापसी पे लेट हो जाऊं। कुछ हिसाब है जो मैंने चुपका करने हैं। ठीक है मॉम, आप जाएं। मैं ये खुशखबरी फरी को सुनाती हूँ, वो सुनकर बहुत खुश होगी। सी यू। इमरान, मैं जानती हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ गुड़िया तुम्हारी इकलौती बहन थी, तुम उससे बहुत प्यार करते थे। नहीं चुपकी, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बहन मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है। इतना भयानक हादसा उसके साथ क्यों हुआ? उसका क्या कसूर था? उसने तो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया। मैं जानती हूँ अपने प्यारे रिश्तों को खोकर जीना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम इस तरह से टूट जाओगे तो अम्मी अब्बू को कौन संभालेगा? उन्हें इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अम्मी की हालत है तुम्हारे सामने, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया। मैं सुबह से कई बार उन्हें कह चुकी हूँ, लेकिन हर बार वो मना कर देती हैं। देखो, तुम उनके बेटे हो, तुम उन्हें ये बात समझाओ कि अगर वो कुछ नहीं खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी, उनके जिस्म में कमजोरी हो जाएगी। इमरान, तुम उन्हें अपने हाथों से खिलाओगे ना तो वो मना नहीं कर पाएंगी। इस वक्त तुम्हें अम्मी अब्बू का सहारा बनना है। तुम ठीक कह रही हो, गुड़िया को तो मैंने खो दिया, अम्मी अब्बू को नहीं खोना चाहता। तुम ऐसा करो, अम्मी के लिए कुछ खाना बना के उनके रूम में लेकर आओ, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तुम अम्मी के पास जाकर बैठो, मैं कुछ खाना लेकर आती हूँ। अरे बेटा नीलम, आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो, मैं सलमा बहन के घर जा रही हूँ, कौन है गुड़िया के वहां पे, आ जाए, आ रही हूँ। अरे यार, इसको भी यही टूटना था।
क्या हुआ अम्मी? अरे जा रही थी, चप्पल टूट गई मेरी। अच्छा हुआ यहीं घर पे टूट गई, अगर बाहर टूटती तो अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा कह तो तुम ठीक रही हो। तुम क्या कर रही थी? अम्मी वो मैं अबू से बात कर रही थी, वो मुझे बहुत तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा डांटा भी कि तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ बेटा शिकवा तो मुझे भी तुमसे है, तुम्हें हम सबसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। अम्मी छोड़े ना पुरानी बातों को। अम्मी आपको पता है वो उससे क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो जवेरिया आंटी को छोड़ देंगे और आपके साथ रहेंगे। अम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब जल्दी अब्बू हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मुझे इस बात से जरा सी भी खुशी नहीं। मैं दानिश को ऐसा नहीं करने दूंगी कभी। क्यों अम्मी, आप अब्बू को ऐसा क्यों नहीं करने देंगी? और अब तो आपने उन्हें माफ कर दिया है ना, तो फिर क्या मसला है? मसला तो कोई भी नहीं है बेटा, बात बस इतनी है कि मैं नहीं चाहती कि दानिश जवेरिया को छोड़कर मेरे पास आकर रहे और दोबारा वही गलती करें जो उन्होंने कई साल पहले की थी और जो दुख तकलीफ मैंने बर्दाश्त किया वही जवेरिया को भी बर्दाश्त करना पड़े। मेरा दिल जानता है कि वो सब मैंने कैसे बर्दाश्त किया था, पर बेटा एक औरत होकर मैं दूसरी औरत के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती हूँ? मेरी जिंदगी तो तकरीबन गुजर ही चुकी है और अब इस उम्र में मैं नहीं चाहती कि जवेरिया से उसका शौहर और उससे उसके बच्चों का बाप छीनो, ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी फिर लोग ऐसे एक औरत को दूसरी औरत का दुश्मन समझते हैं। बेटा पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो और दुनिया की हर औरत दूसरी औरत का बुरा चाहे ये जरूरी तो नहीं है। अच्छा चलो मुझे देर हो रही है, मैं जरा चप्पल बदल लूं, वहां पे तो कुल शुरू हो चुके होंगे जी। और तुम दरवाजा बंद कर लेना, आराम करना फिर। जवेरिया तुम आओ बैठ। परवीन मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारी बेटी फरी के साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया। मैं अपने किए की तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटियों के लिए बुरा ही सोचती रही और हमेशा मुझे यही खौफ रहा कि दानिश जिंदगी के किसी भी हिस्से में तुम्हारे पास वापस ना लौट जाए। आज मुझे अपने आप से नफरत महसूस हो रही है। मैं तो एक बहुत ही आम सी रवायती औरत निकली, खुद गर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली और दूसरी औरत से नफरत करने वाली औरत निकली। परवीन तुम बहुत खास हो, मुझे अपना आप आज तुम्हारे सामने बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैंने जो कुछ तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ किया तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझे माफ कर दोगी। मैं जानती हूं तुम मुझे माफ कर दोगी। परवीन तुम मुझे माफ कर दोगी ना? माफ तो उसको किया जाता है जिसके लिए दिल में खलेश हो। मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जान कर कहती हूं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई खलिश नहीं थी, ना थी ना है और ना कभी होगी।
दानिश का जितना साथ मेरे साथ लिखा था वो उतना ही तो मेरे साथ रह सकता था। उसके आगे तो उसका नसीब तुम्हारे साथ जुड़ा था, सो जुड़ गया। तकदीर को ना तुम बदल सकती हो ना मैं, इसलिए अपने दिल पे बोझ महसूस मत करो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। परवीन तुमने मुझे माफ कर दिया ना, तुमने दिल से मुझे माफ कर दिया। फरी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं आंटी, आप माफी मत मांगिए, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। शायद उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, जिन हालातों में हमारी शादी हुई हम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए कई इख्तलाफात थे। लेकिन आंटी मैं झूठ नहीं कहूंगी, जब आपने मेरी अम्मी को बुरा भला कहा मुझे भी आपसे नफरत हो गई थी, लेकिन ये मेरी माँ की तरबियत है जिसने हमेशा हमें ये सिखाया कि बड़ों का एहतराम किया जाए फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और जहां तक बात रही हाथ उठाने की, तो आपका पूरा हक है आंटी, आप भी मेरी अम्मी की तरह, इसलिए अब आपको इन सब चीजों के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुमने वो कहावत बिल्कुल सच साबित कर दी, जैसी माँ वैसी बेटियां, तुम सब बेटियां परवीन का आईना। भाई क्या हो गया, कुछ बोल भी तो, अकला क्यों रहा है? मंजूर भाई तुम्हारे चाचा की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी की पूरी दुकान जल के राख हो गई, और साथ ही साथ तुम्हारे चाचा भी। चाचा भी? चाचा भी क्या? देखा यूसुफ, यूसुफ अभी तक नहीं है ना? मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगता है उसे मीना ने मेरे पास आने से रोका हो, उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं, बिल्कुल भी परवाह नहीं है उसे मेरी। मुझे लगता है कि उसे मीना ने रोक लिया होगा। हाँ रोका होगा उसने, क्योंकि वो चाहती नहीं कि वो मुझसे मिले, और वो तो उसी की बात मानता है ना। सुन तो तुम यूसुफ को समझाओ ना, उससे कहो कि मीना के बाद नहीं माने। जल्दी से मुझसे शादी कर ले, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं, कोई भी हमारे दरमियान नहीं आएगा। यूसुफ को मैं बुला कर लाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको खाना खाना होगा। हाँ ठीक है खाना खाते, लेकिन लेकिन ना तुम वादा करो कि तुम यूसुफ से कहोगी कि वो जल्दी से बारात लेकर आए, क्योंकि वे तो ना
सिर्फ ये सो की दुल्हन बनूंगी ये सो की दुल्हन बनूंगी मैं और किसी की नहीं। लेकिन हमने क्या वादा किया था, पहले हम खाना खाएंगे फिर ये सबको बुला लेंगे। हाँ। नहीं तुम झूठी हो, तुम्हारे दबाए वादा के अंदर क्यों झूठ बोलती हो, झूठ बोल कर जाती हो यहाँ पे मुझे जो सब नहीं आता मेरे पास। वो तो आता ही नहीं है, नहीं आता वो मेरे पास। अम्मी वैसे आप भी हद करती हैं, थोड़ा बहुत सब्र कर लेती। आपने ऐसे वक्त में नीलम का निकाह रखा है जिस वक्त यूसुफ भी अमेरिका गए हुए अपने बिजनेस के सिलसिले में और चिपकी और इमरान भी गए हुए उरा पे, सबको इकट्ठे तो होने देते। बेटा ये तो बहुत बड़ी सआदत, अल्लाह ने मेरी चुपकी के नसीब में इतनी बड़ी सआदत लिखी थी, और मैं कौन सा कोई बहुत धूमधाम से शादी कर रही हूँ। अरे एक छोटी सी तकरीब है निकाह की, बस घर के ही लोग होंगे। फिर भी अम्मी मीना बिल्कुल ठीक कह रही है, कम से कम हम यूसुफ भाई और चुपकी के आने का वेट कर लेते, और तो और दानियाल भी आने हैं, वो तो अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए मलेशिया गए हुए हैं। अगर वो नहीं जाते तो फिर अब्बू को जाना ज़रूरी होता, और दानियाल कह रहे थे कि इस वक्त अब्बू का यहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ बेटा, अल्लाह ने मुझे तीनों दामाद बड़े फरमा बरदार दिए हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी। अब चाहे वो यूसुफ हो, दानियाल हो या फिर इमरान। वैसे भी आपने बात को घुमा दिया, आप बताएं ना कि इतनी जल्दी क्यों कर रही है निकाह। अम्मी अम्मी कहाँ खो गई है, आप जवाब तो दें। अरे बेटा जल्दी कहाँ कर रही हूँ, भाई नीलम की तो शादी मुझे करनी थी ना, सलमा बहन रिश्ता लेकर आई और मैंने हाँ कर दी। और तुम लोग तो जानती हो हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि सलमान मेरा दामाद बने, मैं चाहती थी कि सलमान की शादी नीलम से हो, तो फिर नेक काम में देर क्यों करूं? अम्मी लेकिन ये सलमा खाला अचानक से रिश्ता कैसे लेकर आ गई? अरे बेटा अचानक थोड़ी हुआ ये सब, 2-3 महीने पहले सलमा बहन घर पे आई और वो कहने लगी कि सलमा बहन कितने दिन बाद आई हो, मैं देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी परवीन, मगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। हाँ कहो क्या बात है। मैं तुम्हारी नीलम के लिए अपने सलमान का रिश्ता लेकर आई हूँ, जैसे ही नीलम की इद्दत खत्म हो जाए हम नीलम और सलमान की शादी कर देंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? लेकिन सलमा बहन तुम तो जानती हो मेरी नीलम। अरे मैं सब जानती हूँ नीलम अब माँ नहीं बन सकती, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि सलमान अब नीलम के अलावा किसी से शादी करने के लिए राजी नहीं होगा, और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा खुशी अपने बेटे की है, इसलिए तुम इस बात की फिक्र मत करो, बस नीलम को राजी करो। देखो बहन मुझे तो इस रिश्ते पे कोई भी एतराज नहीं है, चलो ठीक है मैं नीलम को राजी करने की कोशिश करती हूँ और इंशाल्लाह मैं तुम्हें मुस्बत जवाब दूँ। इंशाल्लाह। अम्मी ये सब कुछ आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया हमें? बेटा मैं डरी हुई थी, मुझे नहीं लगता था कि नीलम इस रिश्ते के लिए तानी मानेगी या नहीं मानेगी, बस इसलिए मैंने तुम लोगों से ये बात छुपाई।
मैंने जिक्र नहीं किया तुमसे इसका। इस सच पूछो तो काफी टाइम लग गया मुझे नीलम को मनाने में। मंजूर ने उसे जख्म भी ऐसे दिए थे। बहुत मुश्किल से संभल पाई है नीलम, और तुम नहीं जानती भी उसके जख्म भरे नहीं है। अम्मी आप फिक्र मत करें, सलमान भाई नीलम का बहुत ख्याल रखेंगे, वो वाकई उससे बहुत प्यार करते हैं। इंशाल्लाह। हाँ बेटा, सोचा तो मैंने भी यही था। मंजूर उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसको चाहता है, उसे खुश रखेगा। लेकिन मंजूर ने तो उसके साथ जो किया है, मुझे तो इसकी उम्मीद तक नहीं थी। इंसान का क्या पता है कौन कहाँ कैसे कब बदल जाए। बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तुमने मुझे क्यों बुलाया सलमान? मैं जानता हूं कि बहुत देर हो गई, लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। अगर तुमने इस रिश्ते के लिए हामी सिर्फ परवीन खाला की वजह से की है तो तुझे बता दो, मैं अम्मी को कह दूंगा, वो जाके ना कहे। तुम्हें परवीन खाला से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलमान, तुम मुझे मजीद कितना शर्मिंदा करोगे? तुम फिर मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? तुम्हें आज भी मेरी इतनी परवाह क्यों है कि मेरी मर्जी क्या है, मेरी खुशी क्या है, और तुम तुम्हारी मर्जी क्या है? नीलम, तुम आज भी इतनी छोटी बात नहीं समझ सके कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या चाहते? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ सलमान, और आज से नहीं हमेशा से। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मैं तुमसे जब शादी करना चाहता था, तुमसे मोहब्बत करता था, तो मुझे ठुकराया क्यों? सलमान, तुम जानते थे कि मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। मैं अपने और अपने घर वालों के हालात बदलना चाहती थी। मैं बस इसीलिए अपनी मोहब्बत तुमसे छुपाती रही कि कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। मैं उस वक्त समझती थी कि ये मोहब्बत ही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, इसीलिए तुम्हें बार बार मना करती रही। तुम्हें पता, मुझे एक बार फरी ने कहा था कि तुम मोहब्बत छुपाने की लाख कोशिश कर लो पर छुपा नहीं सकती, ये एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी। वो ठीक कहती थी। सलमान, तुम जानते हो ना कि मैं अधूरी औरत हूं, मैं कभी मां नहीं बन सकती। खबरदार, जो तुमने कहा कि तुम अधूरी, तुम गुजरे हुए कल में भी मेरे लिए मुकम्मल थी, आज भी मुकम्मल, और आने वाले दौर में भी मुकम्मल रहोगे।
अबे यार मंजूर, तू कोई काम धंधे क्यों नहीं करता है यार? क्यों अपना वक्त जया कर रहा है? तेरे चाचा की उम्र थोड़ी है कि कोई वो दुकान संभाले, तुझे उनका साथ देना चाहिए। अबे मुझे नहीं संभालना कोई काम धंधा, और वैसे भी चाचा चाची मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तेरे भाई की जिंदगी मस्त गुजर रही है, काफी है। वो सब तो ठीक है मंजूर, लेकिन अगर तेरे चाचा को कुछ हो गया तो फिर तो तुझे पता होना चाहिए ना कि किससे कितना हिसाब लेना और किसको कितना हिसाब देना। अबे मुझे नहीं देखना कोई हिसाब किताब, तेरे भाई को तो अपने चाचा के पैसों पर अय्याशी करनी है, पास। मंजूर भाई गजब हो गया। अबे क्या हो गया, कुछ बोल भी तो, अकला क्यों रहा है? मंजूर भाई तुम्हारे चाचा की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी की पूरी दुकान जल के राख हो गई, और साथ साथ तुम्हारे चाचा भी क्या तुम्हारे चाचा भी नहीं रहे, साथ साथ वो भी। मैं सोच रही थी कि आप परवीन को यहाँ क्यों नहीं ले आते। मेरा मतलब है कि नीलम की शादी हो चुकी है और परवीन बिल्कुल अकेली है। मैंने नोटिस किया है कि उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यहाँ पर मैं हूँ, फरी है, सारा है, हम सब मिलकर उसका ख्याल रखें।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे को आखिरकार उसकी मोहब्बत मिली गई। दानिश, मैं एक बात सोच रही थी। क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही थी कि आप परवीन को यहाँ क्यों नहीं ले आते। मेरा मतलब है कि नीलम की शादी हो चुकी है और परवीन बिल्कुल अकेली है। मैंने नोटिस किया है कि उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यहाँ पर मैं हूँ, फरी है, सारा है, हम सब मिलकर उसका ख्याल रखें। आप इतने हैरान होकर क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी कितनी तब्दीली आई है। आप परवीन को अपने घर लेके आना चाहती हैं, घर लेके नहीं आना चाहती हैं, बल्कि खुद उसका ख्याल रखना चाहती हैं। मतलब छे की बड़ी हैरत हो रही है। रही? मैं तो बहुत पहले से ये चाहती थी और मैंने तो परवीन से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन परवीन ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि वो नीलम की जिम्मेदारी पूरा करना चाहती है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन अब तो उसके पास यहाँ ना आने का कोई बहाना ही नहीं है। दानिश, आप अभी जाए ना, उसे लेकर आए। मैं अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। हो सकता है ये सब कुछ करने के बाद मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो जाए। आप ऐसा कुछ मत सोचिए। परवीन आपको दिल से माफ कर चुकी है और जब इंसान माफ कर देना किसी इंसान को तो अल्लाह भी माफ कर देता है। सो रेस्ट अश्योर, अच्छा लग रहा है आपको उस तरह देख। सच्ची कह मैं परवीन को लेके आता हूँ। जी बिल्कुल। परवीन, मैं दूसरी कोई बात ही सुनूंगी तो मेरे साथ घर चल रही हो। नहीं दानिश, इस घर को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इस घर में मेरी सारी जिंदगी गुजरी। मैंने अपनी बच्चियों को इस घर में जवान होते देखा। इस घर में मैंने अपनी जिंदगी की हर थोप छाव देखी। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। सच पूछो तो इस घर में मुझे तहफ्फुज़ का एहसास होता है। अपने आप को
बहुत महफूज महसूस करती। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा जनाजा भी इसी घर से निकले। आओगे प्रवीण, तुम्हें जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। अभी तो हमने बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारना है, अपने निवास से निवासियों को अपनी गोद में खिलाना है। क्या हो गया है? मेरे कहने से क्या होगा? मौत का तो एक वक्त मुअय्यन है। नहीं खड़ी आगे और ना एक खड़ी पीछे। क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? चलो किसी डॉक्टर के पास चलते। चलो दानिश, अब डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है। मेरा वक्त आ चुका है। तुमने आगे में बहुत बहुत देर कर दी। कैसी सीधी बातें कर रही हो तुम? डॉक्टर के पास चलते हो, चलो मेरे साथ चलो। ताने, ताने, दानिश, तुम उससे वादा कर, मेरी बेटियों का ख्याल रखोगे, उन्हें बताना कि माँ को उन पर फख्र है। उन्होंने मेरा हर दुख में साथ दिया, मेरे साथ कड़े वक्त में खड़ी रही। मेरे साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं चल रही हूँ? चलो ना। महीनों से जिंदगी के ढंग गिन रहे, मेरी गंदी खत्म हो चुकी। अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने दिया कि मैं अपने फराइज अदा कर सकूं। और मेरी खुशकिस्मती क्या होगी कि वो अपने महरम के बाहों में आखिरी सांसें ले रही। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरविंद,